हेलो फ्रेंड, दिस इज आयुष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन मिरर, लाइट का चौथा पार्ट। ओके, तो प्लेन मिरर क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं। जो मिरर हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो प्लेन मिरर होता है। ओके, प्लेन मिरर क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन मिरर विच इज यूज इन आवर होम। ओके, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। It is a plane mirror it is a common mirror mirror which is used in our home। ये क्या होता है? कॉमन मिरर होता है जिसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। तो अब एक और इसमें जानते हैं मिरर क्या होता है। तो प्लेन मिरर जान लिए, लेकिन मिरर क्या होता है तो पता नहीं है, तो मिरर जान लेते हैं ये क्या होता है। मिरर क्या होता है? इट इज एन ओपेक ऑप्टिक ऑब्जेक्ट विच इज सिल्वर सिल्वर्ड एट वन साइड। मिरर क्या होता है? मिरर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको एक तरफ से सिल्वर कोटेड किया जाता है, ठीक है? तो मिरर होता है। मिरर क्या होता है? इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज सिल्वर्ड और सिल्वर कोटेड फ्रॉम वन साइड। एक साइड से सिल्वर कोटेड रहता है और एक साइड ऐसे ही रहता है जिधर से रिफ्लेक्शन होता है, तो मिरर होता है। ऐसे हम लोग चैप्टर में मिरर कैसा यूज करते हैं, तो कैसे स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और नीचे से ऐसे एरो करते हैं। एक डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि सिल्वर कोटेड है। ओके, सिल्वर कोटेड को क्या करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिरर समझ में आ गया। मिरर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक होता है, जिसे एक साइड से क्या किए रहते हैं, सिल्वर से कोटेड किए रहते हैं। और प्लेन मिरर क्या होता है? एक कॉमन मिरर होता है जो हम लोग के घर में यूज होता है, वही प्लेन मिरर होता है। अब हम लोग को क्या करना है? प्लेन मिरर का कैरेक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्लेन मिरर का कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टर होता है ये हम लोग को पढ़ना है। तो प्लेन मिरर का चार पांच कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला जैसे एक प्लेन मिरर हो गया। ओके, ये एक प्लेन मिरर हो गया, तो ये इसमें इमेज बनेगा। सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऐसे लाइट आया, ऐसे पीछे जाके कहीं मिला, यहां पे इमेज बन रहा। तो क्या है? वर्चुअल इमेज बनेगा इसका, जब भी बनेगा ये पीछे डॉटेड लाइन से मिलता है जाके। क्या होगा? डॉटेड लाइन से जाके मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। कहीं पे क्या होगा? प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। सेकेंड, वर्चुअल होगा फिर क्या होगा? ये लाइन पे ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो ऊपर इसका इमेज बन रहा है, मींस क्या? इरेक्ट है। जब ये जो हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है उसका सेम साइड ही, मींस ऊपर ही अगर इमेज बनता है, तो दैट इमेज इज नोन एज इरेक्ट। ठीक है,
कैसा इमेज बन रहा है इसमें? इरेक्ट इमेज। तो इट फॉर्म्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स, ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। ओके, पहला क्या था? ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। दूसरा क्या था? इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। थर्ड क्या है? थर्ड, तो थर्ड है, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है ये? जैसे सपोज ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज 5 मीटर है। कितना मीटर है? 5 मीटर। तो इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर के ठीक पीछे कितना डिस्टेंस से? 5 मीटर के डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। पीछे ऐसे कहीं बन रहा, तो पीछे भी कितना मीटर पे बनेगा? 5 मीटर पे बनेगा। तो सेम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, किससे? मिरर का। डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द मिरर। मिरर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा ठीक उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होगा, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा? मिरर के ठीक पीछे बनेगा, और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? आगे रहेगा। ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर आगे है तो इमेज उसका कहाँ बनेगा? मिरर के ठीक 5 मीटर पीछे बनेगा। ओके, तो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ गए। पहला क्या पढ़े? कि इमेज जो होता है वर्चुअल होता है प्लेन मिरर में। दूसरा क्या होता है? इमेज इरेक्ट होता है। और तीसरा पढ़े कि डिस्टेंस दोनों का सेम होता है, इमेज का और ऑब्जेक्ट का। कहाँ से? तो मिरर से। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ क्या होगा? तो फोर्थ होगा जितना बड़ा हाइट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही बड़ा हाइट किसका होगा? इमेज का होगा। दोनों का हाइट सेम होता है। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज ऑलवेज सेम। क्या होता है? इमेज का और ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा सेम होता है। मीन्स अगर ये 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है सपोज 2 मीटर का, तो इसका जो इमेज बनेगा इमेज भी कितने मीटर का होगा? 2 मीटर का ही होगा। तो फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ लिया। पहला क्या था? वर्चुअल इमेज बनता है। दूसरा क्या था? इरेक्ट बनता है। तीसरा क्या था? सेम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का। कहां से? मिरर से। फोर्थ क्या था? हाइट दोनों का सेम होता है। और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। इतना नोट कर लीजिए। इट फॉर्म्स लैटरल इन्वर्जन। क्या करता है प्लेन मिरर? लैटरल इन्वर्जन फॉर्म करता है। अब लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन होता है जैसे हम लोग किसी प्लेन मिरर, जो घर में मिरर होता है, उस मिरर के सामने जाके खड़े होता है। खड़ा होने के बाद में क्या करना है? हम लोग अपना राइट हैंड राइज करना है, मीन्स राइट हैंड उठाना है। तो मिरर में क्या होगा? वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। जब हम लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर क्या करेगा? अपना राइट हैंड उठाएगा। तो इसी फेनोमिना को क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? जब हम लोग मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर क्या करता है? अपना राइट हैंड शो करता है। दैट फेनोमिना इज नोन एज लैटरल इन्वर्जन। सिक्स्थ नंबर, पांचवा क्या था? लैटरल इन्वर्जन फॉर्म करता है। सिक्स्थ देखिए क्या है। सपोज हमें अपना इमेज पूरा शो करना है मिरर में,
किसी प्लेन मिरर में हम चाहते हैं कि मेरा पूरा जो है बॉडी दिखाई दे, तो उसके लिए हमें कितना बड़ा मिरर चाहिए, ये है। क्या चाहिए हम लोगों को? कितना बड़ा मिरर चाहिए, किस काम के लिए? तो अपना पूरा फुल इमेज देखने के लिए। किसमें? तो प्लेन मिरर में। तो क्या होना चाहिए? द लेंथ ऑफ मिरर इज एलवेज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स अगर हम लोग अपना पूरा फुल इमेज देखना चाहते हैं किसी प्लेन मिरर में, क्या करना चाहते हैं हम लोग? अपना पूरा फुल इमेज किसी प्लेन मिरर में देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? मिरर कितना बड़ा होना चाहिए? तो हमारे हाफ। अगर हम 6 फीट के हैं तो मिरर कितना होगा? 3 फीट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन इन आवर डेली लाइफ। क्या जानते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन इन आवर डेली लाइफ, वो क्या होता है, इसका कहां यूज है, हम लोग के डेली लाइफ में क्या क्या यूज है लेटरल इन्वर्जन का। आप लोग एम्बुलेंस तो देखे होंगे, एम्बुलेंस देखते हुए वो उल्टा लिखा रहता है ऐसे, ऐसे उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। लेकिन जब हम लोग इसे मिरर में देखते हैं, साइड मिरर में, अपने बाइक के साइड मिरर में देखते हैं तो ऐसे दिखता है। ऐसा दिखता है क्यों? ऐसा क्यों दिखता है? इसी फेनोमिना को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं ये उल्टा क्यों लिखा जाता है, एम्बुलेंस जो है वो उल्टा क्यों लिखते हैं, एम्बुलेंस पे वो उल्टा लिखा हुआ रहता है आगे पीछे साइड में, साइड में तो सीधा लिखा रहता है लेकिन आगे और पीछे उल्टा लिखा रहता है। इसका मेन रीजन है कि जब ड्राइवर अपना बाइक या कोई भी फोर व्हीलर है या कोई भी व्हीकल्स है उसे ड्राइव कर रहा होगा तो उसके साइड मिरर में सीधा शो होगा, जैसे उल्टा लिखा हुआ है तो जब मिरर में देखेंगे तो ऐसे सीधा शो होगा। ओके, तो जब सीधा देखेगा तो क्या करेगा, वो साइड दे देगा। अब एम्बुलेंस तो टूरिस्ट लोगों के लिए होता नहीं है कि वो पीछे चलेगा, वो क्या होता है हमेशा सीरियस में रहता है, मीन्स जब सीरियस होता है, सीरियस सिचुएशन रहता है तब उसका यूज करते हैं। तो इसी के लिए क्या चाहिए, उसे हमेशा साइड मिलना चाहिए, और साइड कब मिलेगा, जब सीधा लिख दे हम लोग तो क्या मिरर में कभी कोई सीधा पड़ पाएगा? नहीं पड़ेगा, उसमें तो उल्टा शो करेगा तो फिर क्या होगा, साइड नहीं दे पाएंगे। उसी कारण क्या करते हैं, एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं, और उल्टा लिखने से क्या होता है वो सीधा दिखाई देता है और लोग क्या करते हैं उसे साइड देते हैं ताकि वो आगे निकल जाए। तो यही आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, बाय बाय।